1, 2 and F at 3, 2, 1 plus 1, minus 4, 3 plus 2 and 2 plus 1. इसमें हमें एडिशन करनी नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। मसलन आप देख सकते हैं कि ए का जो ऑर्डर है वो टू रोज और टू कॉलम्स है, इसका 2x2 है, और सिमिलरली ई का भी 2x2 है। इसका मतलब है ए और ई आपस में कंफर्मेबल है एडिशन के लिए, ए एंड ई। ये आंसर है इसका, ऊपर कैसे लिखा हुआ, ये इनका आंसर है, ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। सिमिलरली अगर आप देखें बी का जो ऑर्डर है वो टू रोज है और वन कॉलम है, 2x1 है, इसी तरह ये डी है, इसमें भी टू रोज और वन कॉलम है, बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। इसके अलावा ये सी और एफ आई है। अब सी में आप देखिए तीन रोज हैं, 1, 2, 3 और दो कॉलम्स हैं, इसका मतलब है इसका ऑर्डर हो गया 3x2। और यहां आप एफ में भी देखें 1, 2 और 3 रोज हैं और इसके टू कॉलम्स हैं, तो इसका भी ऑर्डर 3x2 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। बस इतना ही क्वेश्चन में यही है, हमने सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो आपस में एडिशन के काबिल है, यानी एडिशन उनकी आपस में हो सकती है, ये बता दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तीसरे में एडिशन आएगी, एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव होते हैं मैट्रिक्स, एक ही चीज होते हैं। लास्ट टाइम हमने पिछली एक्सरसाइज में ये भी किया था, अब ये इसके 6 पार्ट्स हैं। सरल ए लिखा हुआ है -2, 4 -2 and 1। आपने इन सब के माइनस बी का मतलब है कि ये जितने भी एंट्रीज हैं जीरो के अलावा बाकी सब के साइन चेंज, जीरो जो है वो नेगेटिव भी था पॉजिटिव भी नहीं, इसलिए इसके साथ कोई साइन नहीं लगाते। ये 1 पॉजिटिव है, इसको -1 कर देंगे, 0 ऐसे ही रहेगा, -1 का +1 कर देंगे, 2 को -1 कर देंगे, -1 को +1, 3 को -3, 3 को -3,
माइनस टू को प्लस टू और वन को माइनस वन, ईच ऑफ द एंट्रीज यानी ए की जो नाइन एंट्रीज हैं सबके साइन चेंज कर देंगे, तो इसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। इसी तरह सी है, फोर माइनस टू, तो माइनस सी क्या होगा, इन दोनों का माइनस फोर और ए प्लस टू हो जाएगा, साइन चेंज कर देने हैं। इसी तरह सी के बाद डी है, 1 0 माइनस थ्री माइनस टू टू एंड वन, और माइनस डी जब मालूम करेंगे इन सब के साइन चेंज कर देंगे, जो वन प्लस का है ये माइनस वन हो जाएगा, जीरो एज इट इज रहेगा, माइनस थ्री जो है ये प्लस थ्री हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, टू माइनस टू हो जाएगा, वन माइनस वन हो जाएगा। ये आगे हमारे पास इनके एडिटिव इनवर्स, अभी दो हो रहे हैं। हमारे पास है 1 0 0 1, तो माइनस जी होगा, ये दोनों वन माइनस हो जाएंगे, जीरो एज इट इज रहेगा, जीरो का साइन नहीं चेंज करते। और ये लास्ट है 3 1 माइनस 1 एंड 2, ये कराना लाजमी इसलिए था इसमें जब आपने साइन चेंज करना है तो 3 का अंडरस्कोर के अंदर ही साइन चेंज करना, आपने अंडरस्कोर के पास साइन चेंज करना है, यानी ऐसे लिखना है माइनस अंडरस्कोर 3, ये माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस अंडरस्कोर 2। कुछ बच्चे चाहेंगे अंडरस्कोर के अंदर अगर माइनस साइन चेंज कर दें तो अलग हो जाएगा, आपने अंडरस्कोर के बाहर माइनस लगाना है, इसी अंडरस्कोर के बाहर माइनस लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, 4 ए बी सी एंड डी, उनकी वजह से आगे आपने इनके पार्ट्स मालूम करने हैं। मैं लिख देता हूं, इफ ए इज इक्वल टू माइनस 1 2 2 1 बी इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 1 minus 2 1 minus 1 2 and D is equal to 1 2 3 minus 1 0 and 2। अब ये चार मैट्रिसेस की मदद से हमने नीचे वाले ये 9 पार्ट्स करने हैं। सो पहला पार्ट है A plus 1 1 1 1, इसकी वैल्यूज मालूम करें, then find, तो इसकी वैल्यू मालूम करें, ये 1 1 1 as it is देगा, ये A की जगह पर इसकी ये वाली वैल्यू लिखेंगे, minus 1 2 2 1 plus का साइन देंगे 1 1 1 1। उसे कि इसमें क्या है, इक्वेशन इस तरह A plus 1 1 1 1, इस a की जगह उसकी ये वैल्यू लिख दी, इज इक्वल टू का साइन देके a की जगह उसकी वैल्यू लिख दी माइनस 1 2 2 1 और ये 1 1 1 1 ऐसे ही लिखा, दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस ही लिखा। अब इनकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे, माइनस 1 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा क्योंकि 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 1 2।
ये इसका आंसर है, ये इसका पहला पार्ट हो गया। इसका दूसरा पार्ट है b प्लस माइनस टू थ्री, b की जगह उसकी ये वाली वैल्यू लिखेंगे वन एंड माइनस वन, प्लस का साइन देंगे माइनस टू एंड थ्री। फिर रिपीट करना, देखिए b प्लस दिस मैट्रिक्स है तो b की वैल्यू प्लेस कर देंगे, ये ऊपर a b c d की वैल्यूज दी हुई है, तो यहाँ पे b की जगह पे उसकी वैल्यू 1 एंड माइनस 1, फिर इन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे, 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा। 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 1 आएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, ये आपका आंसर है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तीसरा पार्ट है c प्लस माइनस टू वन थ्री। आप देख सकते हैं कि जिसको जिसको प्लस करें उसके जगह जो मैट्रिक्स देते हैं उसी के ऑर्डर का होता है। अब c हमारे पास है वन माइनस वन टू, c की जगह उसकी वैल्यू लिखी और ये माइनस टू वन थ्री। आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स ऐसे हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। 1 में माइनस 2 ऐड करेंगे 1 माइनस 2, माइनस 1 में प्लस 1 करेंगे 2 में प्लस 3 करेंगे। तो ये हमारे पास 1 में से माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। सिंपल एडिशन है, बस आपने जो मैट्रिक्स दिया गया उसकी वैल्यू लिख देनी है, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर देना है। और चौथा इसका पार्ट है प्लस 0 1 0 2 0 एंड 1। अब देख सकते हैं ये मैट्रिक्स ऐसा है जो डी के साथ बिल्कुल मैच करता है, डी का जो ऑर्डर है वो भी 2/3 है और इसका भी 2/3 है। यानी डी की वैल्यू लिखेंगे 1 2 3, माइनस 1 0 एंड 2, प्लस का साइन देके ये 0 1 0 2 0 एंड 1। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री 1 में ये 0 ऐड कर देंगे, 2 में 1 ऐड कर देंगे और 3 में 0। इसी तरह नीचे माइनस 1 में 2 प्लस कर देंगे, 0 प्लस 0 आएगा एंड 2 प्लस 1। 1 प्लस 0 करेंगे तो वो 1 आएगा, 2 प्लस 1 करेंगे 3 आएगा, 3 प्लस 0 जो है वो 3 आएगा, माइनस 1 प्लस 2 करेंगे 2 में से 1 माइनस हो जाएगा 1 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, तो ये आंसर है।
का पांचवा पार्ट है 2a। अब इसमें ये 2 जो है इस a से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर हम 2 लिखेंगे और आगे a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू आ रही -1 2 2 एंड 1। ये 2 इससे प्लस नहीं हो रहा बल्कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को इन सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 1 सा ये -2 आ जाएगा, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4 और 2 1 सा 2। ये हमारे पास का आंसर आ गया, ये 2 इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली इसी का 6th पार्ट है -1 into b, ऐसे -1 पे ब्रैकेट लगी है और b है, इस अंदर में -1 इस b से मल्टीप्लाई होगा, आप -1 लिखेंगे, b की वैल्यू है 1 एंड -1, इस -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देना है।